Good morning, everyone. I'm your social study teacher from AHPS. Today, I'm going to teach you part 2 of chapter 12, topic interdependence of organisms. Look at the picture. इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था what is abiotic and biotic environment. Natural environment है, उसके two part हैं abiotic and biotic. तो जो एबायोटिक है उसके अंदर आता है आपका लैंड, वाटर, एयर, सन, ये सब. तो आज हम जो पढ़ेंगे कि आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं. तो देखिए, आपका एटमॉस्फेयर लिखा हुआ दिख रहा है आपको. लेट मी शो यू विद द पॉइंटर. देखिए, एटमॉस्फेयर दैट इज एयर, इट मींस इट कम्स इन एबायोटिक. हाइड्रोस्फेयर वाटर, लिथोस्फेयर अर्थ या लैंड. तो ये तीनों जो है, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये तीनों जो पार्ट हैं ये किसके हैं? एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट के. तो इन तीनों के बीच में है आपका बायोस्फेयर. मींस अगर ये तीनों हैं तो बायोस्फेयर है, इन तीनों की वजह से ही बायोस्फेयर है. ठीक है, हमने बात की थी बायोटिक एनवायरनमेंट की. बायोटिक में आता है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक फिश हो गया, आपका फॉक्स हो गई, फंगस हो गई, जो भी है, प्लांट हो गई, ये सब क्या है? बायोटिक एनवायरनमेंट. अब ये सब मिलके बनाते हैं आपका बायोस्फेयर. एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फेयर. अंडरस्टूड? एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर. और दोनों ही आपस में, आपको मैंने बताया था कि बायोटिक जो है वो एबायोटिक पे इंटरडिपेंडेंट है. मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे एनिमल दिख रहे होंगे आपको. यस, मैं फॉक्स की बात करती हूँ. फॉक्स के लंग्स हैं, तो इसको ऑक्सीजन की नीड है. ऑक्सीजन के साथ साथ ये ऑक्सीजन लेती है एयर से. इसी को नीड है आपको रहने के लिए. ये वाटर में तो रह नहीं सकती है, तो ये इसको क्या नीड है? लैंड की. उसके अलावा पीने के लिए अगर प्यास लगेगी या कुछ भी है तो इसको क्या, किसकी नीड है? वाटर की. तो इट मींस ये जो फॉक्स है ये इंटरडिपेंडेंट हुई ना, डिपेंडेंट हुई ना इन तीनों पे. और अब ये सब मिलके एबायोटिक और बायोटिक मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर. अंडरस्टूड? एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट, इसकी थ्री पार्ट्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. यही हेल्प करते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट की. कैसे? ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहला आता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मींस एयर, लिथोस्फेयर मींस लैंड, हाइड्रोस्फेयर मींस वाटर. ये तीनों लाइफ को सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं. एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. एक ब्लैंकेट है ये एयर का जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, एक कवर की तरह, ब्लैंकेट की तरह. एयर जो इसमें एयर है वो कैसी एयर है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स की. अब आपको साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में. लेट मी शो यू. ये देखिए, ये डायग्राम. इस डायग्राम से पता चलता है कि जो एयर है वो कितनी परसेंटेज पे अवेलेबल है हमारे अर्थ पे. इसी वजह से जो बैलेंस है इन परसेंटेज का, उसी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. देखिए, नाइट्रोजन है 78%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9% एंड अदर गैसेस 0.1%. तो ये बैलेंस ही हमें यहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करता है. The atmosphere sustains life by providing different life supporting gases. Look, दिख रहा है आपको? ये सारी life supporting gases हैं और एक perfect percentage की वजह से ये हमें support करता है life sustain करने में earth पे. Oxygen is the gas that living beings breathe in. Oxygen ऐसी gas है जो हम लिविंग बींग, मतलब जैसे आप और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस
फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमेशा याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट कब लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमें, प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन जो गैस है या ओजोन लेयर है वो क्या हेल्प करती है, जो हार्मफुल सनरेज आ रही होती हैं हमारी जो हार्मफुल सनरेज है हमारी, उससे प्रोटेक्ट करता है। मतलब डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुंचाता उसे, मतलब क्लीन प्योर करके हमारी अर्थ तक पहुंचाता है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब नाइट्रोजन क्या हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में और जो सॉइल है उसकी उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने में। तो आप लोग को ये सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, साथ ही साथ ये डायग्राम ये जरूर बनाना है। नेक्स्ट है आपका लिथोस्फेयर, मींस लैंड। इट इज द सॉलिड रॉक सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक सॉलिड रॉक सरफेस है अर्थ का। क्या है देखते हैं, लैंड आप लैंड से तो समझ ही गए होंगे, लेकिन लैंड भी दो जगह होती है, दो टाइप की होती है। इसको डिवाइड किया गया है दो में, एक तो ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल। ओशियनिक जैसे कि जो ओशियंस में सी में जो लैंड मिलती है दैट लैंड, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल लैंड जिस पे हम लोग रहते हैं, जैसे आइलैंड हो गया जिस पे हम लोग रहते हैं, मतलब हमारी कंट्री हो गई, ये कहाँ पे है, लैंड के ऊपर है, कॉन्टिनेंटल के ऊपर है। तो कॉन्टिनेंटल लैंड ये हो गई है आपकी, ठीक है। तो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल लैंड, मैं आपको इन पिक्चर को देखिए ध्यान से, लेट मी शो यू। ऊपर वाली पिक्चर है जिसमें आपको दिख रहा होगा, यस लिथोस्फेयर, ठीक है, ये हाइड्रोस्फेयर दिख रहा है। इन हाइड्रोस्फेयर के नीचे ये जो येलो कलर दिख रहा है जहाँ पे ये एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो हो रखे हैं, हाँ दैट लैंड इज कॉल्ड ओशियनिक क्रस्ट या ओशियनिक लिथोस्फेयर, ठीक है, एंड दैट इज जहाँ पे ये काव है दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। अब ये मैप देखिए, जहां भी जितना भी ओशियन दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर दैट इज ओशियन, ये ओशियन जो है इसके अंदर जो लैंड है दैट इज ओशियनिक लैंड, एंड ये और जो ये आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं अफ्रीका यूरोप एशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये जितना भी लैंड एरिया दिख रहा है दैट इज कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। आ गया समझ में कि ये दो कैसे हैं डिवाइडेड। यस एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो ओशियन के अंदर जो लैंड होती है, ठीक है, वो लैंड कम थिक होती है, और जो कॉन्टिनेंटल पे जो लैंड होती है वो उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा है। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा अब तो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट क्या क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट। द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अबाउट 35 to 45 किलोमीटर, वाइल द एवरेज थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज अबाउट 7 to 10 किलोमीटर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था लास्ट पिक्चर में देखा के आपको कि जो ओशियनिक जो क्रस्ट है लैंड है वो कम थिक है बजाय कि कॉन्टिनेंटल के, कॉन्टिनेंटल वाली ज्यादा थिक है, और कॉन्टिनेंटल वाली जो लैंड है वो जिसपे हम लोग रहते हैं, और ओशियनिक जो कि ओशियन के अंदर मिलती है। टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ द ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर यूजफुल टू अस। टॉप मोस्ट लेयर जो हमारी लिथोस्फेयर की है दैट इज वेरी यूजफुल। अब नॉर्मली देखिए प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं, अगर लिथोस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर ही अच्छी नहीं हुएगी जिसमें मिनरल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, यस क्रॉप कैसे ग्रो होंगे, प्लांट कैसे उगेंगे, और उसी से ही हमें क्या मिलता है, हमारा फूड मिलता है। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है लिथोस्फेयर की या लैंड की वो बहुत ही यूजफुल है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। सोयल, इसकी जो सोयल है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है, और किस किस के लिए यूज, और जो लैंड है वो और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, जिसमें से एक है ह्यूमन सेटलमेंट। हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं वहां पे, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लिथोस्फेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोस्फेयर,
मीन्स वॉटर। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा लिथोस्फेयर है वो 29% है हमारे अर्थ के ऊपर। आपने अभी मैप भी देखा होगा तो उस पे भी आपको वाटर ज्यादा दिख रहा होगा और लैंड एरिया कम दिख रहा होगा। तो लिथोस्फेयर हमारा 29% है और हाइड्रोस्फेयर नियर बाय 71% है। हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस। हाइड्रोस्फेयर क्या है? वाटर है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो ओशन के रूप में है, चाहे रिवर के रूप में है, चाहे वो लेक के रूप में है, चाहे वो सी के रूप में है, दैट इज दैट कम्स इन हाइड्रोस्फेयर। कैसा भी वाटर, चाहे वो सॉल्टी है, चाहे वो फ्रेश वाटर है, कैसा भी वाटर, रेन वाटर है, जो भी वाटर है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर कवर नियरली 71% ऑफ अर्थ सर्फेस। ये मैं अभी आपको बताया था। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग रिवर, ओशन, लेक, सीज एक्सेट्रा। ओशियंस सपोर्ट मैरीन लाइफ, प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स, मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज, यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स एंड वेव्स एंड टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इतनी ज्यादा हमारी हेल्प करता है हमारा ओशियन। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं मैरिन लाइफ की। मैरिन लाइफ क्या होती है? ओशियन के अंदर जो लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ओशियन में रहने वाले एनिमल हो, फिशेज हो, जो भी हो, दैट कम्स इन मैरिन लाइफ। मतलब ओशियन के अंदर की लाइफ, ओशियन के अंदर की लाइफ। सोचिए हमारे अर्थ पे 71% वाटर है, तो सोच के देखिए कि हमारी जो मैरिन लाइफ है वो भी कितनी बड़ी होगी। ओशियन के अंदर ही एक पूरा लाइफ साइकिल चलता है। तो मैरिन लाइफ समझ गए, जो ओशियन के अंदर की लाइफ है, चाहे वो वहां के प्लांट हो, चाहे वो वहां के एनिमल्स हो, चाहे वो फिशेज हो, चाहे कोई भी हो, तो वो मैरिन लाइफ को सपोर्ट करता है ओशियन। और आपको पता हो तो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो भी वहीं से ही हुई थी। प्रोवाइड्स अस विद फूड एंड मिनरल्स। ओशियन हमें फूड्स एंड मिनरल्स भी देता है। वो कैसे देता है फूड्स एंड मिनरल्स? सुनिए, ओशियन जो है वो हमें फूड और मिनरल्स देता है। ओशियन कैसे देता है फूड? सी फूड, बहुत सारे लोग सी फूड खाते हैं, तो सी एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, सी फूड। वैसे और भी बहुत सारी चीजें हमें ओशियन से मिलती है, सी फूड जो कि बहुत हेल्दी होता है खाने में, हम लोग नहीं खाते हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग सी फूड खाते हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, या फिर आप सोच के देखिए कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो बहुत ही कोल्ड एरिया हैं, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है पूरा साल, तो उस एरिया में तो मान के चलिए कि जो सी फूड है या इस तरह के फूड है वही कामयाब है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स वगैरह तो हो नहीं पाते हैं, तो इसी तरह के फूड से ही वो लोग अपना जो भी है एनर्जी बनाते हैं शरीर की। तो फूड मैरिन लाइफ से हमें मिलता है, मैरिन लाइफ जो कि कहाँ है? ओशन में है। मिनरल्स, उन फूड्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उसके अलावा सॉल्ट, एक एग्जांपल दे रही, सॉल्ट कैसे बनता है? खारे पानी से ही बनता है, और वो किसका होता है? ओशन का। तो इस तरीके से ओशन से हमें क्या क्या मिलता है? फूड और मिनरल्स। मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? यस, वो एरिया जहाँ पे ओशन आके मिलता है, समुद्र उसका किनारा, वो पूरा एरिया, उसके किनारे वाला एरिया, मतलब ओशन के पास वाला लैंड एरिया इज अ कोस्टल एरिया। ठीक है, तो कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को मॉडरेट कैसे करता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, सन की रेस पूरे इंडिया पे बराबर पड़ रही है, लेकिन जो वेदर का जो डिफरेंस मिलेगा आपको, आपको जो नॉर्थ एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे कोई ओशन नहीं है, तो उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, और जो कोस्टल एरिया के पास जो लोग रहते हैं उस एरिया का टेम्परेचर आपको मॉडरेट मिलेगा। मतलब ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी पूरा साल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओशियन या बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडी जो उधर है। यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। अब जैसे कि हम लोग कई बार क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, मतलब जो ओशियन है वो ट्रेड रूट के लिए बहुत ही यूज्ड होता है और चीपेस्ट भी पड़ता है। अब आपको अगर इंडिया से यूएस जाना हो तो, या कोई भी ट्रेडिंग करनी हो,
ट्रेडिंग मतलब इधर से उधर कोई जो भी प्रोडक्ट है वो सप्लाई करना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, तो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा ओशियन रूट. वेव्स एंड टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है? जो वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं ओशियन से, वो यूज की जाती हैं किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. तो देखिए, खाली ओशियन जिसको हम सोचते हैं कि खारा पानी है, यूजलेस है या कुछ भी, उससे ही हमें कितनी चीजें मिलती हैं. मैरीन लाइफ मिलती है, फूड एंड मिनरल्स मिलता है, मॉडरेट करता है टेम्परेचर को, साथ के साथ ट्रेड में भी हेल्प करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है. रिवर्स एंड लेक्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. रिवर्स और लेक से हमें फ्रेश वाटर मिलता है. वाटर इज फाउंड एज वाटर जो है बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही फॉर्म में मिलता है हमें. कैसे? सॉलिड में जैसे ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स से हमें वाटर मिलता है. वाटर वेपर मतलब जो वाटर वेपर वाला तो आपको पता ही होगा, वाटर वेपर साइकिल जो है. हाँ, तो ये एयर में मिलते हैं हमें. और लिक्विड इन अंडरग्राउंड जैसे कि रिवर लेक्स में हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलता है. तो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में हमें वाटर मिलता है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ ए बायोटिक एनवायरमेंट. और ये देखिए कि किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है और किस तरीके से ये ए बायोटिक एनवायरमेंट जो हाइड्रोस्फेयर है वो कनेक्ट हो रहा है बायोटिक एनवायरमेंट से. देखिए, फ्रेश वाटर, वी ऑल नीड द फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर इज अ ए बायोटिक एनवायरमेंट. ठीक है, लेकिन हम उसे पी के, हम क्या है, बायोटिक है ना, तो हम लोग उसे पी के क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं. मतलब ए बायोटिक बायोटिक से इंटरकनेक्ट हो रहा है और लाइफ को सपोर्ट कर रहा है इस अर्थ पे. दैट इज द रीजन ए बायोटिक एंड बायोटिक दोनों आपस में मिलकर लाइफ बनाते हैं. नाउ बायोस्फेयर. अभी तक आपने एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा और अब बात आती है बायोस्फेयर की. व्हाट इज बायोस्फेयर? बायोस्फेयर क्या है? द बायोटिक एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, फंगस एक्सेट्रा. द थ्री स्फेयर्स कौन कौन से? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर मीट टू फॉर्म अ नैरो जोन ऑफ इंटरैक्शन विच सपोर्ट्स लाइफ. द बायोस्फेयर दैट इज कॉल्ड द बायोस्फेयर मीन्स बायोटिक एंड ए बायोटिक बोथ आर डिपेंडेंट. मतलब ए बायोटिक पे बायोटिक डिपेंडेंट है और उससे जो लाइफ बनती है दैट लाइफ इज बायोस्फेयर. अंडरस्टूड? लुक एट द पिक्चर, आपको दिख रहा होगा. देखिए, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, और उसके टॉप से लेके बॉटम तक हमारा क्या है? बायोस्फेयर. द बायोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन. मतलब बॉटम से, ओशियन के बॉटम से लेके टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन. टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स तक है. ठीक है, हमारा बायोस्फेयर क्या है? ओशियन के बॉटम से लेके टॉप ऑफ दी माउंटेन तक है. ए बायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक ए बायोटिक पे जब इंटरडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है, उससे जो लाइफ बनती है दैट इज बायोस्फेयर. एटमोस्फेयर जो एयर है और वो जो गैसेस, डस्ट, वेपर्स बनाता है दैट इज एटमोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर जितना भी वाटर है जिस भी फॉर्म में है वो क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर. जबकि आपको पता है कि अगर हम ओशन की बात करें तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर है, और अगर हम लैंड और रिवर की वाटर की बात करें तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर है. तो दोनों ही अलग अलग है, लेकिन जो भी वाटर है जिस भी फॉर्म में है जैसा भी है वो क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर ओशियन में भी लैंड है हमारे, और जो कॉन्टिनेंटल है उस पे भी लैंड है. तो ये दोनों डिफरेंट है लेकिन फिर भी क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर. ऐसे ही बायोस्फीयर, इन सब से जो लाइफ बनती है, ए बायोटिक बायोटिक का ए बायोटिक पे जब वो डिपेंडेंट होके जो लाइफ बनाता है दैट इज बायोस्फेयर. बायोटिक फैक्टर्स रेफर्स टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अंडरस्टूड?
बायोटिक फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक फैक्टर्स सच एज लैंड वाटर एंड एयर. द बायोस्फेयर इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. ये आपको क्लियर हो चुका है, आपका एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. डन. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इंटू. बायोस्फेयर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. देखिए, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, लुक, प्लांट. सेकंड इज कंज्यूमर, कंज्यूमर्स, लुक, काउ. थर्ड वन इज डीकंपोजर्स, लुक, फंगस. नाउ प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं, ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सच एज प्लांट. ये वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स. नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉप्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड ऑन देयर ओन सच एज ह्यूमन बींग एंड ऑल एनिमल्स. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं. साइंस में कई बार आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि कंज्यूमर्स किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं. ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ये प्लांट से अपना खाना लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट नंबर के हर्बीवोर्स. ये कैसे होते हैं, ये प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं, जैसे गोट, काउ, कैमल, ये सब. ये सब क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खा रहे हैं. कार्निवोर्स, देखिए लायन किस तरीके से फ्लैश को खा रहा है, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड हुए. कैसे, ये उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट ईटिंग करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को ये लोग खाते हैं. ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स इनमें दोनों की ही क्वालिटी होती है, हर्बीवोर्स की भी और कार्निवोर्स की भी, मतलब ये प्लांट ईटर्स भी होते हैं और फ्लैश ईटर्स भी होते हैं. जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, हम ह्यूमन प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट से रिलेटेड जो भी फूड मिलता है उसे भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, कुछ होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं. तो ओमनीवोर्स क्या हुए, जिनमें हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों ही चीजें होती हैं, लाइक हर्बीवोर्स की तरह प्लांट एंड कार्निवोर्स की तरह फ्लैश, दोनों ही चीजें खाते हैं. एग्जाम्पल है ह्यूमन, तो कंज्यूमर कितने टाइप के हो गए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स विच लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स सच एज बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा. अगर आपको साइड में ये पिक्चर दिख रही हो छोटी सी, तो देखिए कहाँ पे फंगस ग्रो हो रही है, डेड डेड प्लांट के ऊपर. यस, तो डीकम्पोजर्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डीकम्पोज होने में ऑर्गेनिक मटीरियल को, लाइक डेड एनिमल, प्लांट, इनको डीकम्पोज होने में हेल्प करते हैं. फूड चेन, अब देखिए कैसे बायोस्फेयर के वो थ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड चेन बनाते हैं. प्रोड्यूसर, आपका नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डीकम्पोजर. लुक एट द फूड चेन, देखिए ये आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये आपका कंज्यूमर है, 1 2 3 4, ये चारों आपके कंज्यूमर है एंड दिस वन इज योर डीकम्पोजर फाइनल. तो ये देखिए एक फूड चेन बन रही है, ठीक है. कैसे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. देखिए, अब देखिए अगर हमें जिंदा रहना है तो हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी की नीड है, हमारी बॉडी को अगर हमें चलाना है तो व्हाट वी नीड, एनर्जी. तो ये एनर्जी के लिए जो चीज हम खाते हैं,
क्या बन जाती है फिर उससे, फूड चेन। कि मतलब देखिए, प्लांट को ग्रास ऊपर खा रहा है, फिर उसके बाद रैट खा रहा है ग्रास ऊपर को, फिर कैट खा रही है, फिर उसके बाद यस हमारा ईगल खा रहा है, देन डिकम्पोजर, डेड रिमेन्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनती है फूड चेन। अगर इस फूड चेन में, फूड चेन किससे बन रही है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर से, अगर इन तीनों में से एक भी बीच में से हटा दें, सपोज हमने कंज्यूमर हटा दिया तो क्या होगा, तो भी फूड चेन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। सपोज हमने डिकम्पोजर को हटा दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू कि डिकम्पोजर क्या है, तो क्या होगा, तो भी फूड चेन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि डिकम्पोजर जो है वो हेल्प करता है सोयल को फर्टिलाइज करने में और एनिमल्स को जीने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में डिकम्पोजर की बहुत हेल्प होती है, क्योंकि वही है जो लैंड के अंदर न्यूट्रिशन को बनाए रखता है। अगर डिकम्पोजर नहीं होगा तो हमारे प्रोड्यूसर को कैसे एनर्जी मिलेगी, कैसे वो खाना बनाएगा अपना, और किस तरीके से वो न्यूट्रिशन अपने अंदर लेगा, नहीं ले पाएगा। तो सेम अगर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर इनमें से कोई भी एक ब्रेक हुआ तो फूड चेन खराब हो जाती है। जैसे ये देखिए, ये प्रोड्यूसर है, सन से एनर्जी ले रहा है, सन क्या है, एबायोटिक है, और वो उससे एनर्जी ले रहा है, और उससे एनर्जी लेके 1, 2, 3, 4 फोर कंज्यूमर्स हैं, उनके उनको ये क्या कर रहा है, एनर्जी एक दूसरे को ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर डिकम्पोज्ड हो रहे हैं। अ फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। अंडरस्टूड, कैसे ट्रांसफर करते हैं ये लोग एनर्जी एक दूसरे को। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। अ फूड चेन इज अ सिंपल, फूड चेन जो है सिंपल है, लीनियर सीरीज ऑफ स्टेप्स, व्हाइल अ फूड वेब इज मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये तो है आपको फोटो जो दिख रही है, दैट इज फूड चेन। फूड चेन तो एकदम सिंपल है, लेकिन फूड वेब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे नीचे, ये इस एक चीज को जो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर है, उनको उनसे कितने लोग एनर्जी ले रहे हैं, दिख रहा है, ये हमारा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हमारी आगे ऊपर जाके हमारी फूड वेब, देखिए जो कि जा रही है सेकेंडरी कंज्यूमर को, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर को कितने सारे लोग खा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से जब हम जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर में, तो देखिए किस तरीके से ये फूड चेन जो है हमारी कितनी कॉम्प्लेक्स होगी, जो कि बन गया है फूड वेब। इस सबको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। ये फूड चेन है किसी एक चीज की, सिंपल सी चेन। अगर मैं बात करूं कैट की, तो ये कैट और उसके उससे रिलेटेड एनिमल्स, उससे रिलेटेड कंज्यूमर और उससे रिलेटेड प्रोड्यूसर से एक सिंपल सी चेन है, लेकिन फूड वेब कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अंडरस्टूड। तो आपको आज क्या करना है, एक तो सारे नोट्स लिखने हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं आज, हमने जो स्टडी किया है जिसके बारे में, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। साथ ही साथ आपको जो मैंने बताया था एटमोसफेयर के साथ जो डायग्राम है वो भी बनाना है एयर का। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में फूड चेन ड्रॉ करनी है और फिर उसके नीचे फूड वेब, ठीक है, ये आपको आज करना है। थैंक यू।